मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, अगर वो कोई संवैधानिक बात कहते हैं और देश हित में बात कहते हैं निश्चित तौर से मानी जाएगी। अगर वो संघ का एजेंडा चलाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर से उसकी मुखालफत होगी और हम निश्चित तौर से उसकी मुखालफत करेंगे, संघ का एजेंडा स्वीकार नहीं। भाई मैंने अभी कहा आपको, 5 दशक लग गए उनको तिरंगे की ताकत को पहचानने में। जहाँ भागवत जी की बात करते हैं वो बुजुर्ग नेता है, लेकिन बताएं नागपुर में तिरंगा कब फहराया गया, मुझे ये बात कोई बता दे। 2014 से पहले तक कोई तिरंगा नागपुर में नहीं फहराया जाता था, तो वो डीपी क्यों चेंज करें? अब तो उनको ये डर है कि अगर हम तिरंगा नहीं फहराएंगे और हम हर घर तिरंगा का नारा नहीं लगाएंगे तो देश से बाहर हो जाएंगे, वो सरकार नहीं बना पाएंगे। जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देश में लूट मचाई हुई है, उस लूट से वो पीछे रह जाएंगे। इसलिए हर घर तिरंगा की बात हो रही है। हमने विरोध नहीं किया, हम विरोध नहीं कर रहे, और अगर सही बात कहना विरोध है तो हम विरोध कर रहे हैं। क्या रोजगार पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या महंगाई पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या जो सार्वजनिक उद्योग जो हमारी सरकार, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए पूंजी तैयार की थी, उनको बेचने का विरोध नहीं होना चाहिए? क्या इनके 4 दोस्त जिनको पूरा भारत ये बेचे दे रहे हैं धीरे धीरे, इस बात का विरोध नहीं करना चाहिए? हमको हमारे देश के नौजवान को सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया, इसका विरोध नहीं करना चाहिए? सारा व्यापार ठप कर दिया, उसका विरोध नहीं होना चाहिए? किस चीज़ का विरोध नहीं होना चाहिए? कौन सा ऐसा इन्होंने एक काम बता दें ये जो इन्होंने किया हो जिसका हम समर्थन करें? हम इस बात का समर्थन करें कि हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं, हम इस बात का समर्थन करें कि फॉरवर्ड क्लास और मिडिल क्लास और लोअर क्लास को इन्होंने आपस में लड़वा दिया, हम इस बात का समर्थन करें? एक कोई काम मुझे बता दे भारतीय जनता पार्टी के नेता कि हमने ये काम किया उसका समर्थन करिए। हम निश्चित तौर से उसका समर्थन करने का काम करेंगे, जो गलत है उसका विरोध करेंगे। तिरंगा घर पे लगाना, हर घर तिरंगा होना चाहिए, और था भी, पीछे भी था और आगे भी रहेगा। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि हर घर तिरंगा की बात वो लोग कर रहे हैं जिनको तिरंगे को पहचानने में 5 दशक लग गए। 5 दशक के बाद उन्होंने तिरंगे की ताकत को पहचाना है और अब वो तिरंगा लगा रहे हैं। अच्छी बात है, हर घर तिरंगा था, पहले से भी था, ऐसा नहीं है कि आज ये कोई नई परंपरा है कि तिरंगा घर तिरंगा हो। हर आदमी जो भारत का था और भारत के लोग हमेशा तिरंगा को प्यार करते थे, अपनी जान से ज़्यादा बढ़कर के प्यार करते थे और आगे भी करेंगे। देशभक्ति जगाई जा रही है, ये कौन? वो लोग जो देशभक्ति का मतलब नहीं समझते, वो लोग देशभक्ति जगाने का काम करते हैं। हम लोग जो भारत के वासी हैं वो निरंतर देशभक्त थे, उन्होंने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी हैं, देश के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। वो लोग देशभक्ति का पाठ पढ़ाने का काम करते हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की चाटुकारिता की, जिन्होंने अंग्रेज़ों की जासूसी की। ऐसे लोगों से देशभक्ति सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे खून में देशभक्ति है, हमको सीखने की ज़रूरत नहीं। हमारी डीपी पहले से चेंज थी और आज भी चेंज है और हमेशा चेंज रहेगी, और वो देश के लिए डीपी होती है हमारी। हम किसी दल या किसी राजनीतिक या सरकार जो किसी राजनीतिक दल की हो उसके लिए डीपी चेंज करने का काम। अमृत महोत्सव का मतलब समझा दे हमको भारतीय जनता पार्टी के लोग या सरकार के लोग, अमृत महोत्सव का मतलब बता दे वो हमको। देश भुखमरी पर है, देश का नौजवान आत्महत्याएं कर रहा है, देश का किसान आत्महत्याएं कर रहा है, देश का मजदूर आत्महत्याएं कर रहा है, देश का व्यापारी आत्महत्याएं कर रहा है। काहे का उत्सव भाई, किस चीज का उत्सव? आजादी का उत्सव हमने 4700 अब तक मनाया है, कब हम उत्सव नहीं मनाते थे? कब 15 अगस्त पर झंडा नहीं फहराया जाता था? कब 15 अगस्त को लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री बात देश के हित की बात नहीं कहते थे? देश लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलने का के लिए प्राचीर नहीं है लाल किला की। मुझे बता दें जब से ये प्राचीर पर झंडा फहराने एक बात इन्होंने वहां से ऐलान की हो और उसको पूरा किया हो। रोजगार की बात इन्होंने की थी, हुआ? मकानों की बात की, स्मार्ट सिटी की बात की थी, हुआ? कहाँ है स्मार्ट सिटी बताइए मुझे, एक बता दीजिए कि स्मार्ट सिटी उस जगह बन गई? किसान की आय दोगुनी करने की बात की थी, एक बता दीजिए, एक किसान की आय दोगुनी हो गई हो?
हाँ निश्चित तौर से अभी 6 दिन बाकी हैं। एक और उद्योग जिसे बिकना है वो 6 दिन में बिकेगा, एक और बेरोजगारी का धमाका हमारे सर पर होगा, 16 अगस्त को एक और महंगाई का धमाका हो ये करने जा रहे हैं, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इनों को 2014 में आज़ादी इनको मिली होगी, हम तो 47 में आज़ाद हो गए थे भाई। हमको तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कई लोगों से भरी बात हुई, हमको तो बता दें कि किस चीज़ का उत्सव है, हम तो समझ नहीं पा रहे। वो बेरोजगारी का उत्सव मना रहे हैं, वो भुखमरी का उत्सव मना रहे हैं, वो व्यापार हमारा जो ठप हो गया उसका उत्सव मना रहे हैं, हमारी गिरती हुई अर्थव्यवस्था का उत्सव मना रहे हैं, इस चीज़ का उत्सव है। कोरोना में जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनकी रसोइयाँ आज तक नहीं जली, ये उस चीज का उत्सव है। एक तरफ आप तमाम देश के नागरिकों को, तमाम भारत के समाज को धकेलने का काम कर रहे हो, समाज को बांटने का काम कर रहे हो, किस चीज का उत्सव मना रहे हैं? अभी आप इस लायक हो गए कि आप उत्सव मनाएं? त्योहार तब होता है, उत्सव तब होता है जब जेब में पैसे होते हैं मजदूर और किसान की, उस दिन वो उत्सव मनाने का काम करता है। देश की आज़ादी हमारे लिए प्राणों से प्यारी है, देश की आज़ादी में किसानों मजदूरों ने अपने लहू की एक एक बूंद देने का काम किया है। एक घटना याद आती है, भगत सिंह जी ने जेल में कहा था कि कोई दलित समाज का आदमी था वहाँ जेल में, उससे उन्होंने कहा था कि तुम अपने हाथ से मुझे रोटी बना के खिला दो। बहुत दिनों तक वो आदमी टालता रहा भगत सिंह जी को। जब उन्होंने कहा, भगत सिंह जी ने, शहीद आजम ने, कि भाई अब तो 2-3 दिन बचे हैं सिर्फ, अब तो खिला दो, तो उस वाल्मीकि समाज के आदमी ने अपने हाथ से रोटी बनाई और उनको खिलाई। हम उस समाज की कल्पना करते हैं, हम उस टाइप का जब समाज जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम उत्सव मनाने का काम निश्चित तौर से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, संघ का एक ही एजेंडा है कि वो किसी भी तरीके से सरकार में बने रहें। अंग्रेजों की जो नीतियाँ थीं, स्पष्ट तौर से उनकी नीतियाँ हैं, लोगों को बांटो और राज करो, और कोई मतलब किसी चीज़ का नहीं है। देश से उनका कोई लेना देना नहीं है, देश की तरक्की से उनका कोई लेना देना नहीं है, देश के किसान, देश के मजदूर, देश के आम व्यापारियों से उनका कोई लेना देना नहीं है। हर ठेका आप 3 लोगों को दे दे रहे हैं। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि अडानी के पास इतना पैसा है हमारी बैंकों का, हमारे देश का, हमारे करदाताओं का, कि अगर वो पैसा वो बैंकों में वापस कर दे तो देश की अर्थव्यवस्था पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। तो हमारा पैसा उसको क्यों दिया जा रहा है? उद्योगपतियों का कर्जा क्यों माफ किया जा रहा है? इस सरकार के रहते कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जो डर है लोगों को छोड़ सकते हैं, मुझे तो ये डर है कि वो देश में है ही कब। अच्छा। आपने देखा उसके प्रोजेक्ट चल रहे, वो एक क्या नाम है उसका, वो शराब वाला जो था, किंगफिशर वाला, विजय माल्या, उसका प्रोडक्ट आज भी चल रहा है, शराब बिक रही है उसकी, किंगफिशर की बियर तमाम सड़कों पे बिक रही है, तमाम ठेकों पे बिक रही है, सारे देश में बिक रही है, उसका पैसा कौन ले रहा है बताएं? सरकार स्पष्ट करे। विजय माल्या का किंगफिशर ब्रांड जो है वो बियर आज भी बिक रही है, बन्नी बंद नहीं हुई। उसका जो लाभ आ रहा है उस बियर को बिकने से, वो लाभ किसको दे रहे हैं? सरकार स्पष्ट करे, बताए। क्या वो भारत सरकार के खजाने में जमा हो रहा है वो पैसा, कि वो विजय माल्या को आज भी जा रहा है? निश्चित तौर से बिना सरकार की सहमति के कुछ नहीं होता। एक आदमी एक सेकेंड भी देश छोड़ के भाग नहीं सकता, सरकार से छुप नहीं सकता। जैसे अपराधी बिना पुलिस से मिली भगत किए अपराध नहीं कर सकता, वो श्रीकांत, अभी आपका प्रकरण चल रहा है श्रीकांत त्यागी वाला, वो 4 दिन से भागा हुआ है, सब लोग चिल्ला रहे हैं कि फरार है, मैं नहीं मानता उसे कि फरार है। वो कहीं सुरक्षित था, किसी मंत्री के यहाँ, किसी सांसद के यहाँ, या किसी पुलिस के यहाँ, बड़े अफसर के यहाँ। जब मीडिया ने और कुछ विरोधियों ने उसका उस पर दबाव बनाया तो वो तुरंत ही पकड़ लिया है मेरठ से। अरे भाई, मेरठ में था वो, तुम्हें 4 दिन लग गए ढूंढने में? जेब कतरे को तो तुम मिनट से पहले पकड़ लेते हो। एक मजदूर जरा सी भी गलती कर दे सड़क पर, उसे तुरंत उठा के आप जेल में भेज देते हो, आप हवालात में बंद कर देते हो। तो ये देखिए, सरकार की नीति और नियत दोनों में बड़ा अंतर है, और देश के लोगों को
ये समझना पड़ेगा। ये जो जुमलेबाजी चल रही है, उत्सवों का जो दौर चल रहा है, इसमें नहीं फंसना चाहिए।